आज 21 सितंबर का जो जलसा है पीटीआई का, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फ्लॉप जलसा होगा और इमरान खान ने बहुत अपने साथ एक गलत हरकत कर दी है। ये जो कह रहा है ना कि ये जलसा जो है ये डू एंड डाई वाला जलसा है, आप सारे बाहर निकलें, कश्तियां जला दें और सारे लोग बस पहुंच जाएं, और ये गरीबों को, मिडिल क्लास को ये कह रहा है, उनके बच्चों को कह रहा है कि आओ जी आओ, ख़तरा मोल लो। तो अगर इतना ही मामला ये हो गया हुआ था कि बस आखिरी बस ये कदम है और आखिरी ये चांस है इनके पास, पीडीआई के पास, और इमरान खान बिल्कुल पागलों की तरह डेस्परेट हो गया है, तो कम से कम अपने बच्चों को बुला लेता। वो बच्चे भी कहते हैं कि चलो हमने अपने बाप की जो आखिरी कॉल एक थी और उसके ऊपर हमने हज़ारों लोग निकलने थे तो हमने भी उसके अंदर पार्ट प्ले किया। बच्चों को तो बुलाया था कि नहीं, वो उसके कहने में नहीं है, या इसके कहने में नहीं है, या ये उनको बुलाना चाहता नहीं है क्योंकि उनको ख़तरे में नहीं डालना चाहता। और ये जो कहते हैं ना उसके पीटीआई के अहमक लोग कि वो तो जी हमारे बच्चों के लिए कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए थोड़ी कर रहा है। तो भाई अगर वाकई वो आपके बच्चों के लिए कर रहा होता तो सबसे पहले अपने बच्चे आगे करता ना, वो तो आपके बच्चे आगे कर रहा है। और आखिरकार होना क्या है कि उन्होंने इसको वज़ीर आज़म बना देना है, खुद मर मरवा के ज़िले शाह बेचारा मारा गया, वो अरशद शरीफ को इसने गुमराह किया, और भी इसने बड़ा कुछ किया है, मतलब कितने लोग जेलों में हैं गरीबों के, और उसके अलावा कितने लोग जो हैं वो मरे हैं, कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो खुद भी जो है अंदर मुर्गे खा रहा है, तो इसलिए इसके बच्चे भी बाहर बैठे हुए हैं, वो खरबपति बच्चे वो भी इंजॉय कर रहे हैं लंदन में, ये उनको वहाँ सेक्युलर लिबरल लंदन में रखता है। मैं बार बार कहता हूँ इतना बड़ा मुनाफिक है ये, और ख़ुद यहाँ पे कहता है ये मदीना की रियासत बना रहा हूँ, इसके बच्चों की भी आग बस समर जाएगी। इधर आगे रहे ना वो एक आइडियल सिटीजन्स, मॉडल सिटीजन्स ऑफ एन ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना वो बने, तो वो बन नहीं सकते, तो क्योंकि उनके अंदर तो डर बैठा हुआ है, वो इसने बुजुर्ग बनाया हुआ है इनको, या वो वैसे ही कोई ख्याल नहीं करते इसका, अपने बाप का। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो जलसा है ना, ये इमरान खान ने बड़ा गलत किया है, ये इसका शायद इसके बाद करियर ही शायद ख़त्म हो जाए सियासत का। अभी तरमीम हुई हो गई है एक, फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो भी चेंज हो गया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसके ख़िलाफ़, और इसने जो एक नफरत तकसीम और फसाद और इंतशार की सियासत की थी, और 9 मई को जो कुछ हुआ था, और फिर एक और भी खबर यह है कि जो लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे अली मीन के साथ जो आना चाह रहे हैं, उनके अंदर भी कोई, मेरा ख्याल है 3700 लोग हैं शायद, 3700 जिनके नाम दिए गए हैं कि अगर ये आए तो उनको पकड़ लिया जाए, क्योंकि मुलजमान में से और भागे हुए हैं। तो ये सारा कुछ इमरान खान के लिए बड़ा गलत है, और लोग निकल नहीं रहे, मैंने देखा है इर्द गिर्द लोग कोई नहीं निकल रहे, मैं लाहौर में रहता हूँ तो बुरा हाल है, कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा उधर जाने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान ने अपने साथ बड़ी ज्यादती की है, ये कश्तियाँ जलाने की बात नहीं करनी चाहिए थी इसको, ना इसको ये कहना चाहिए था कि जी ये डू एंड डाई, मतलब या लड़ो या मरो, ये बहुत बुरा इसने काम किया है, क्योंकि इसका ख्याल ये होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, होना कुछ भी नहीं है। इमरान खान को इतनी अकल ही नहीं है कि उस, या उसको जेल में बेचारे को इतना लाइल में रखा गया है, इसके पार्टी वाले इसके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, इसके पार्टी वाले मुझे लगता है कि इसकी नीचे से जड़ें काट रहे हैं खुद लीडर बनने के लिए, बनना तो उन्होंने बेचारों ने भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टी है पीटीआई ये इमरान खान के साथ ही ख़त्म होगी, तो और तो किसी ने लीडर बन नहीं सकना इसमें से। तो ये सारा एक मजमुआ है लोगों का, पता नहीं मुख्तलिफ़ किस्म के भांत भांत के लोग जमा किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये एक नई खबर है कि पीटीआई शायद आज 21 सितंबर को, मतलब 21 सितंबर 2024 को अपनी इख्तिताम का जो सफ़र है ना, वो शायद आज शुरू कर दे।